नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को जो है एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में जो है परिभावता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम को जो है एकदम अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। और देखिए आज हम क्या देखेंगे, तो आज हमारा चलेगा, देखिए क्या चलेगा, व्युत्क्रम संकरण, और क्या चलेगा, पूर्वज या प्रतीप संकरण, ठीक है। और तीसरा क्या चलेगा, तीसरा जो परिच्छर संकरण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, पहला क्या है हमारा, पहला हमारा क्या है, देखिए व्युत्क्रम, व्युत्क्रम संकरण, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है पूर्वज या प्रतीप संकरण, क्या है, पूर्वज या इसे हम और किस नाम से जानते हैं, प्रतीप के नाम से जानते, प्रतीप संकरण, ठीक है। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, तो तीसरा हमारा है परिच्छर संकरण, क्या है, परिच्छण संकरण, परिच्छर संकरण हो गया, ठीक है। अब देखिए व्युत्क्रम संकरण का इंग्लिश क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस होता है, क्या होता है लिख देंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक। अब इसका इंग्लिश क्या होता है, पूर्वज या प्रतीप संकरण का, तो इसका इंग्लिश हमारा होता है बैक क्रॉस, क्या होता है, बैक क्रॉस, ठीक है। अब देखिए परिच्छर संकरण का इंग्लिश क्या होता है, टेस्ट क्रॉस होता है, क्या होता है बताइएगा सभी लोग, टेस्ट क्रॉस, ठीक। अब देखिए इसको, चलिए एक एक चीज को जो है हम एकदम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं, आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। देखिए यहाँ से भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं, ये भी प्रश्न जो है आ सकते हैं, बहुत बार पूछा गया कि परिच्छर संकरण, संकरण हम किसे कहते, परिच्छण संकरण किसे कहा जाता है, इसको समझाइए, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे क्या, सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्युत्क्रम संकरण, ठीक है, क्या है व्युत्क्रम संकरण, क्या किया जाता है इसमें, पौधे के लक्षण को ले लिया जाता है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर पौधे के लक्षण को ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे लक्षण। तो लक्षण में देखिए हम लोग क्या ले रहे हैं, पहले ले लीजिए, देखिए लंबा और बौना ले लीजिए, ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी वाला ना, कि लंबा और बौना हम लोग ले लिए हैं, ठीक, लंबा बौना ले लिए। लंबा वाला का कैसा होता है जीन, तो देखिए दोनों कैपिटल टी हो जाएगा, बौना का कैसा होता है, दोनों स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक, इतना चीज हो गया ना। अब देखिए इसमें क्या कराया जाता है, तो देखिए इसको पहले मान लीजिए, इसको या नर मान सकते हैं या इसको मादा मान सकते हैं, ठीक है, या इसको मादा मान सकते हैं या इसको नर मान सकते हैं, ठीक। तो चलिए एक को जो है कुछ चीज मान लीजिए, तो चलिए हम पहले वाले को जो है नर मान लेते हैं, ये नर है, और इसको जो है हम मादा मान ले रहे हैं, ये क्या है, मादा हो गया, ठीक। अब इसका क्या करा देते हैं हम लोग, संकरण करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, अर्धसूत्र विभाजन होगा, तो ये देखिए कैपिटल टी, और इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा, इधर भी कैपिटल टी, ठीक। और यहाँ पर जब अर्धसूत्र विभाजन होगा तो यहाँ से एक टी आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक टी निकल आया ना। अब जब ये निकल आया तो देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, संकरण हो जाएगा, देखिए ये इसके साथ आ जाएगा और ये वाला जो है इसके साथ आ जाएगा, तो बना क्या, देखिए एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी यहाँ से बन गया ना, यहाँ से एक कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। अब एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी यहाँ से बन गया, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी यहाँ से बन गया, ठीक, इतना चीज हो गया ना। अब देखिए इसके साथ भी यही प्रक्रिया होगी, ये वाले टी इस स्मॉल टी के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया ना, इतना चीज हो गया। अब ये कैपिटल टी जो है इस टी के साथ आएगा, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। तो देखिए यहाँ पर देखिए सभी पौधे जो है कैसे प्राप्त हो रहे, सभी पौधे जो है लंबे प्राप्त हो रहे, सभी पौधे कैसे प्राप्त हो रहे, लंबे। अगर इसको या क्या मान लिया जाए, देखिए ये क्या है लंबा पौधा ना, तो लंबे पौधे को जो है अगर क्या मान लिया जाए, देखिए अगर इसको जो है मादा मान लिया जाए और इस बौने पौधे को जो है अगर नर मान लिया जाए तो भी यही लक्षण प्राप्त होगा, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा तो भी यही लक्षण प्राप्त होगा, ठीक। इसमें क्या किया जाता है, देखिए पौधे के लक्षण को जो है एक बार क्या किया जाता है, नर और मादा मानकर संकरण कराया जाता है, ठीक है, और एक बार क्या किया जाता है, मादा और नर मानकर संकरण करा दिया जाता है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, व्युत्क्रम संकरण, क्या कहलाती है, व्युत्क्रम संकरण, ठीक है। तो आप जो है इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं,
कि पूर्वज या प्रतीप संकरण क्या होता है, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब सभी लोग देखिए कि ये हमारा क्या है, पूर्वज या प्रतीप संकरण ना, तो यहाँ पर क्या कराया जाता है, पूर्वज या प्रतीप संकरण में, तो आप सभी लोग देखिएगा पूर्वज या प्रतीप संकरण में जो है क्या कराया जाता है, ये क्या है देखिए, क्या कह रहे, पूर्वज या प्रतीप संकरण, तो यहाँ पर जो है पौधे की लक्षण ले लेंगे, ठीक। तो लक्षण में जो है हम क्या ले लेंगे, देखिए एक हम लोग क्या ले लेते हैं, एक जो है हम लोग लंबा ले लेंगे, लंबा हो गया, ठीक। और एक हम लोग क्या ले लेते हैं, बौना ले लेते हैं, बौना हो गया, इतना चीज हुआ ना, लंबा बौना हो गया। अब देखिए इसका जीन कैसा होगा, दोनों कैपिटल टी टी हो जाएगा, और इसका जीन कैसा होगा, दोनों जो है स्मॉल टी टी हो जाएगा, ठीक, इतना चीज हो गया ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर देखिए जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, स्मॉल सॉरी कैपिटल टी, और यहाँ पर भी है कैपिटल टी, ठीक। अब ये क्या है, स्मॉल टी, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्मॉल टी, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, देखिए क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन। जब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या हो रहा है, युग्मक जो है आधे आधे बट रहे ना, देखिए डबल टी है, एक एक टी देखिए बट गया है, डबल टी यानी कि स्मॉल स्मॉल है, स्मॉल स्मॉल टी, तो देखिए एक टी इधर और एक टी इधर आ गया, ठीक। अब इतना चीज हो गया ना, तो देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा था जनक, जनक था, और ये बना क्या है, बना हमारा क्या है, युग्मक, युग्मक जो है आधे आधे बट गया ना, युग्मक जो है आधे आधे बट गया, ये क्या था हमारा, जनक था। तो अब आप सभी लोग देखिएगा एकदम ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये जो है इसके साथ संकरण करेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया ना, इतना चीज हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये चीज जो है इसके साथ आ जाएगा। अब देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये वाली चीज इसके साथ आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है एक इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर जब सभी पौधे लंबे प्राप्त हो गए तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, पूर्वज या प्रतीप संकरण, देखिए ये चीज हमें प्राप्त होगी ना, तो इसका हम क्या करा देते, जो लक्षण हमें प्राप्त होता है, ठीक है, जो लक्षण प्राप्त होता है उसका एक बार हम लंबे पौधे के लक्षण से क्या करा देते हैं, संकरण करा देते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करा देंगे, लंबे लक्षण वाले पौधे से संकरण करा देते, मतलब कि प्रभावी लक्षण वाले पौधे से संकरण करा देते हैं, तो इसी का हम पुनः क्या कर देंगे, इसके साथ संकरण करा देंगे, ठीक है। पूर्वज या प्रतीप संकरण में यही प्रक्रिया होती है, जो प्राप्त होगा उसका हम पहले प्रभावी लक्षण वाले जीन के साथ संकरण कराएंगे, उसके बाद अप्रभावी लक्षण वाले जीन के साथ संकरण करा देंगे, ठीक है। अब चलिए करा देते हैं, क्या है देखिए, एक यहाँ पे हमारा क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है ना, ये चीज हो गया। अब यहाँ क्या है, कैपिटल टी, और यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल टी, ठीक। अब बनेगा क्या, तो देखिए यहाँ से जो है पहले विभाजित करिए, देखिए कैपिटल टी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल टी, ठीक, कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है यहाँ से आ गया, इतना चीज हो गया ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ से आ गया। अब यहाँ से भी अर्धसूत्र विभाजन होगा, तो दोनों यहाँ से जो है दोनों ही कैपिटल टी निकलेंगे। अब यह टी जो है इस टी के साथ है, क्या बन गया, कैपिटल टी, कैपिटल टी बन गया, ठीक, इतना चीज हुआ। अब यह कैपिटल टी जो है इस टी के साथ आएगा, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी हो गया, ठीक। अब देखिए ये स्मॉल टी जो है इस टी के साथ आएगा, तो बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यह स्मॉल टी जो है इसके साथ आएगा तो क्या बनेगा, बताइएगा सभी लोग। तो देखिए स्मॉल टी, सॉरी पहले कैपिटल वाला लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि सभी पौधे जो है कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। लेकिन देखिए पूरी तरह से 50% क्या है, 50% पूरी तरह से लंबा है, 50% क्या है, संकरित लंबा है, कैसा लंबा है, संकर लंबा, 50% जो है संकर लंबा है, और ये कैसा लंबा है, पूर्ण लंबा, कैसा लंबा है, पूर्ण लंबा है, ठीक, कैसा लंबा है, पूर्ण लंबा है, ठीक। अब आगे देखिए क्या होता है, तो ये जो प्राप्त हुआ इसका अब एक बार इसके साथ पुनः संकरण करा दिया जाएगा, तो फिर देखिए अब क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या है, दोनों ही स्मॉल टी हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से जब ये युग्मक जो है आधे आधे बट गए, युग्मक जो है आधे आधे बट गए, ठीक। अब यहां से भी देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए ये कैपिटल टी जो एक बार इसके साथ आएगा, क्या बन जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा, ठीक है। और ये कैपिटल टी जो है एक बार इसके साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया, ठीक है। अब ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ आएगा, दोनों ही स्मॉल टी बन गए।
अब ये स्मॉल टी जो है इस स्मॉल टी के साथ आएगा, दोनों ही स्मॉल टी बन गए, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो 50% कैसा प्राप्त हो रहा है, संकरित लंबा प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर देखिए पूर्ण रूप से जो है 50% कैसे प्राप्त हो रहे हैं, पूर्ण रूप से 50% दोनों प्राप्त हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया किसमें की जाती है, पूर्वज या प्रतीव संकरण में की जाती है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको लिख लीजिए। अब उसके बाद चलिए हम परिच्छर संकरण में चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए क्या है परिच्छर संकरण, अब देखिए परिच्छर संकरण में क्या करा जाता है, तो आप सभी लोग देखिए यहाँ पर जो है अज्ञात जीनोटाइप वाले, अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे के जीनोटाइप को जानने के लिए, ठीक है, अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे के, लंबे पौधे के जीनोटाइप को जानने के लिए, जानने के लिए परीक्षण संकरण क्या है, परीक्षण संकरण कराया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे का जीनोटाइप जानने के लिए परीक्षण संकरण कराया जाता है। तो इसको जानने के लिए जो है दो चीजें हमें पता होना चाहिए, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं उन चीजों की क्या है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लिए क्या, पहला हमारे क्या है, यदि F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे बने तो अज्ञात लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल TT होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि F1 पीढ़ी में जो सारे पौधे लंबे बनते हैं तो क्या होता है, अज्ञात जीनोटाइप वाला जो पौधा होता है वो कैसा होता है, कैपिटल TT होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए क्या है, हमारा एक लंबा पौधा है, ठीक है, और एक कौन सा पौधा है, एक जो है हमारा बौना पौधा है, ठीक। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या है यहाँ पर, यही तो हमें प्राप्त करना है। ये देखिए स्मॉल TT है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज आएगा, मतलब कि कोई युग्मक जो है यहाँ पर आएगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि यहाँ पर कौन युग्मक आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा स्मॉल टी आएगा, और यहाँ पर जो है स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जो है आपस में संकरण पहले करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, क्या बन रहा है, देखिए अगर क्या बना है, देखिए सारे पौधे अगर लंबे बने, कैसे बन रहे, अगर सारे पौधे लंबे बन रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी बन रहा है, ठीक। सारे पौधे अगर कैसे बन रहे हैं, लंबे बन रहे हैं, तो बना दीजिए सारे पौधों को लंबा बना दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ये चीज जो है इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये चीज जो है इसके साथ आ जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक। तो सारे पौधे जब लंबे बन रहे हैं तो क्या होता है, देखिए जीनोटाइप कैसा हो जाता है, कैपिटल TT हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर भी कैपिटल टी और यहाँ पर भी कैपिटल टी दी हुई है, क्या हो जाएगा, कैपिटल TT, ठीक। तो ऐसे करके हम अज्ञात पौधे का जीनोटाइप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, यदि F1 पीढ़ी में जो है आधे लंबे तथा आधे बौने बने, क्या कह रहे हैं, यदि F1 पीढ़ी में जो है आधे लंबे तथा आधे बौने बनते हैं तो क्या होता है, बौने बने तो अज्ञात पौधे का जीनोटाइप कैसा होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अगर देखिए आधा लंबा बन रहा है आधा बौना बन रहा है तो कैसा होगा, एक कैपिटल टी हो जाएगा और एक स्मॉल टी हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए यहाँ से जो है यहाँ से भी जीन जो होंगे अर्धसूत्र विभाजन हो जाएगा जीन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा यहाँ से देखिए पता नहीं क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ पर जो है हम ऐसे करके लिख देंगे गोला बना के, ठीक है। अब देखिए जब संकरण कराया जा रहा है इन सभी का तो क्या बन रहा है, आधा कैसा बन रहा है, आधा लंबा बन रहा है और आधा बौना बन रहा है, ठीक है। अब ये चीज जो है इसके साथ आएगा और ये चीज जो है इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, आधा लंबा बन रहा है और आधा कैसा बन रहा है, बौना बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बना देते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, अब यहाँ पर जो है दोनों स्मॉल टी हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, दोनों ही स्मॉल टी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आधा जो है लंबा बन गया, आधा बौना बन गया, तो देखिए जीन हमारा क्या आ जाएगा, तो देखिए एक हमारा आ जाएगा
कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि आ जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम जो परीक्षा संकरण को लिख सकते हैं एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है, और आपको परीक्षा में जो है अच्छा नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो में जरा सा भी कहीं पर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन लेवल वाली मोटिवेशनल शायरी आप सभी लोग सुन के ही जाइएगा। चाहे दलदल लाख हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन ऊपर उठाए रखिए। चाहे दलदल लाख हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रोका जा सकता है, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो चलिए तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।